हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे एक और वीडियो लेके आया हूँ जो वीडियो है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो दोस्तों ये वीडियो किस तरह से चलेगा, तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे हम लोग बेसिस ऑफ कंपैरिजन एब्सोल्यूट एडवांटेज जो एडम स्मिथ ने दिया था और कंपैरेटिव जो डेविड रिकार्डो ने दिया था। तो सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे और ऐसे बाइफरकेशन आएगा। लास्ट वाला एक सेकंड लास्ट वाला डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मीनिंग कर लेता हूँ। मीनिंग के अंदर तो ये है कि भाई मेरी कंट्री है, मेरा नेशन है और मैं ये कॉमोडिटी कुछ बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ। तो लिखा ऐसे जाएगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इंप्लाइज अनबीटेबल डोमिनेंस ऑफ अ कंट्री और बिजनेस इन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। मैं ये चीज सबसे अच्छी, सबसे बेटर, सबसे मतलब फाइन कर सकता हूँ और मैं ऐसा हूँ। जबकि कंपैरेटिव क्या हो जाता है कि भाई आप भी ये बना सकते हो, मैं भी ये बना सकता हूँ, लेकिन आपको बनाने के कंपैरेटिव सस्ते में ये चीज मैं बना लूंगा, तो क्या हम ट्रेड करें? आपको जिसमें फायदा है वो आप बनाइए, मुझे जिसमें फायदा है वो मैं बनाऊंगा और रेसिप्रोकल होके यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे। सच थियरी जो डेविड रिकार्डो ने दी थी वो एब्सोल्यूट काफी अच्छी थी, वहां पे उन्होंने सिखाया है, समझाया है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा बेटर होता है। उसके बाद लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट क्या हो जाता है कि भाई नेशन के ही बारे में बात की है, ट्रेड क्रिएशन म्यूचुअल का ऐसा कुछ बात हुई नहीं है। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि भाई इतनी सारी कंट्रीज जो है जो ये बनाती है, मैं उससे ज्यादा अच्छे सस्ते से बना लूंगा और आपके साथ ट्रेड करके हम दोनों को फायदा होगा। ये कंपैरेटिव एडवांटेज का मोटो या तो सेंट्रल पॉइंट है। उसके बाद डिटरमाइन क्या कर लेता है, तो भाई रिसोर्स, जैसे सऊदी अरेबिया तो भाई वो डेट्स बनाएगा, इंडिया तो मैंगो और एप्पल बनेगा, पैटर्न ऑफ ट्रेड हम तो यही करेंगे और इतना ही क्वांटिटी हमने बनाई है उसमें ही हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे, ऐसा एडवांटेज एब्सोल्यूट में माना गया है। जबकि यहाँ पे तो भाई अगर आप मुझसे डेट्स लेते हो खजूर, तो हम आपको मैंगो या एप्पल देंगे, तो थोड़ा आप भी उसमें फायदा करो, थोड़ा मैं भी फायदा करता हूँ, आप भी एप्पल और मैंगो बना सकते हो लेकिन आपको कॉस्टली होगा, मैं भी डेट्स बना सकता हूँ लेकिन मुझे कॉस्टली होगा, तो क्यों ना हम मिलके एक समझौते पे आए जहाँ पे जो सस्ता आपको लगे वो आप बनाओ, जो सस्ता मुझे लगे वो मैं बनाऊं और उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे जाते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो नॉट म्यूचुअल, कोई म्यूचुअल नहीं, मेरा ऐसा है, बस मैं ये करने वाला हूँ, बस यहाँ पे आप ये करोगे तो मैं ये करता हूँ, आपको भी फायदा और मुझे भी फायदा। और उसके बाद यहाँ पे फैक्टर इन्वॉल्व कौन सा लिखा हुआ है कि भाई मेरा इतना कॉस्ट होता है, ये मेरा सस्ता है, मैं ज्यादा बनाऊंगा क्योंकि सस्ता पड़ता है, ये मुझे सस्ता पड़ता है लेकिन आप ये लोगे तो मैं ये बना लेता हूँ, आप भी बना सकते हो लेकिन आपको महंगा पड़ेगा, उतना ही टाइम एनर्जी आप इसमें डाल दो तो आपको फायदा होगा, अपॉर्चुनिटी लॉस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव के बारे में। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और अगर कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो प्लीज लीव योर कमेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।